गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल साइंस क्लास 4 एंड वी आर रिवाइजिंग चैप्टर 5। ओके, द चैप्टर नेम इज नेचुरल रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट, वी आर ऑल्सो स्टडी अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज इन द अदर subject, it means in science. Now today we are discuss about the natural resources, some important natural resources. Let's start. First of all, here is given natural resources. We should know what is natural resources. Valuable and useful substance found in nature are called natural resources. जो भी वस्तु जो उपयोगी है, जो उपयुक्त है, जो हमारे प्रकृति में उपलब्ध है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? Natural resources कहते हैं। How many types of natural resources? नेचुरल रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहले फर्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप सिंपल शब्दों में, भाषा में समझ सकते हैं कि एक ऐसा रिसोर्स जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता हो और दूसरा, यानी दूसरे पुनः निर्मित किया जा सकता हो, और दूसरा ऐसा जिसे पुनर्निर्मित न किया जा सकता हो, उस इसे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की श्रेणी में रखते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए देख लें, सॉइल और वाटर, यह दोनों जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, यह जो है रिसोर्सेज है, नेचुरल प्रोसेस प्रक्रिया के द्वारा रिन्यूएबल होते रहता है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसा है जो कि रिप्लेस आसानी से नहीं हो पाता है। जैसे कि आपको हमने बताया, मिनरल्स, खनिज लवण, आयरन है, कोयला है, ये सब ऐसे स्रोत हैं जो दोबारा से इजली रूप में उसको हम दोबारा नहीं हम प्राप्त कर सकते। अगर यह एक बार एग्जिट हो जाएगा तो फिर दोबारा बनने में बहुत लंबा समय लगेगा। ओके, यहाँ दिए हुआ है उसके बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, एक रिन्यूएबल जिसे हम लोग इनएक्सेसिबल टेबल भी कहते हैं, दूसरा नॉन रिन्यूएबल को एक्सेसिबल भी रिसोर्सेज कहते हैं। अगर आप देखें ध्यानपूर्वक तो देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कैन बी रिप्लेस्ड एंड इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जिसको रिप्लेस नहीं कर सकते उसमें पेट्रोलियम है, गैस है, नेचुरल रिसोर्सेज है। यहाँ अगर हम सनलाइट है, एयर है, वाटर है, प्लांट्स है, इसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं। और कह रहा है कि ये सारे चीज़ों के साथ साथ हमें इन सब चीज़ों को जो नॉन रिन्यूएबल है या रिन्यूएबल ही है उसको हम कंजर्वेशन करें, कैसे उसको हम सुरक्षित रखें। नेचुरल रिसोर्सेज एसेंशियल हो रहा है क्योंकि हमारे जीवन के लिए उपलब्ध है। इट इज नेचुरल रिसोर्सेज फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेस्ड। आवर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जनरेट एनर्जी हैज रिजल्ट टू पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। कई प्रकार से हमारे लिए नुकसान भी दे सकता है, इसलिए इसे कंजर्व करना चाहिए। और कई सारे तरीके हैं, चेक डिफोरेस्टेशन कैसे हम इसको रोकें ये बता रहा है। चेक डिफोरेस्टेशन ऑफ डोनट कट ट्रीज एंड एफोरेस्टेशन ऑफ प्लांट्स, मोर ट्रीज, पेड़ पौधे ना काटें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, यूज अ कार पुल का यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, फॉसिल फ्यूल्स से ईंधन को बचाएं, कलेक्ट रेन वाटर को संरक्षित रखें ताकि आगे आने वाले समय में काम हो सके। यानी इन सारे चीज़ों के द्वारा हम नेचुरल रिसोर्सेज को हम बचा सकते हैं। ओके, थैंक यू।